वेलकम टू ऑल ऑफ यू KSD मैथ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम फिजिक्स का लेक्चर, थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स को पढ़ने वाले हैं और लगातार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स व फिजिक्स की क्लासेस जारी रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले आज हम थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक संबंध देखिए, थर्मोडायनेमिक रिलेशन। अब थर्मोडायनेमिक रिलेशन के अंदर आज हम मैक्सवेल की समीकरण को हल करेंगे। मूलतः मैक्सवेल की चार इक्वेशन है हमारे पास और हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ भी निकालेंगे और इसकी ट्रिक भी हमें पढ़ेंगे। आज इस ट्रिक को सोल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक रिलेशन से पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। देखिए, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किसी सिस्टम या निकाय के अंदर किसी पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट का, यदि किसी सिस्टम के अंदर किसी निकाय के अंदर किसी पदार्थ की अवस्था के बारे में पता लगाना है तो हमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और एंट्रोपी, इन चार चरों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो क्या है, सबसे पहले किसी निकाय की अवस्था को फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और एंट्रोपी की जो अवस्थाएं हैं, एंट्रोपी के चरों की है, उन्हें जरूरी है। तो चार चरों की हमें आवश्यकता होती है। इन चार चरों की सहायता से हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किसी भी सिस्टम की, किसी भी निकाय की अवस्था को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, प्रेशर है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी। इन चार चरों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर, दाब, ताप, आयतन और एंट्रोपी, इन चारों चरों की सहायता से हम किसी भी सिस्टम के पदार्थ की अवस्था को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी सिस्टम की अवस्था का पता लगाने के लिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम मैक्सवेल की इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं। मैक्सवेल की इक्वेशन को हम सोल्व आउट करने वाले हैं, किस तरीके से मैक्सवेल ने चारों इक्वेशन को प्रूफ किया। तो सबसे पहले आज फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन और इसे इंटरनल एनर्जी का नाम दिया गया है, आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी। तो आज हम मैक्सवेल के फर्स्ट रिलेशंस को प्रूफ करेंगे और जिसका नाम है आंतरिक ऊर्जा। सेकंड हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। थर्ड हमारे पास आएगा गिब्स पैराडॉक्स। इस तरीके से हम चारों जो इक्वेशंस हैं उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी। हम जानते हैं कि dQ जो ऊष्मा है, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट रूल, लॉ ऑफ फर्स्ट से, dQ बराबर du + dW,
मतलब जो ऊष्मा है वो आंतरिक ऊर्जा प्लस किसके कार्य के यानी वर्क डन के क्या होती है, दोनों के योग के क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब dQ बराबर dU प्लस dW, आंतरिक ऊर्जा और वर्क डन यानी कार्य के क्या होगी, बराबर होगी। अब हम इस रिलेशंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्या लिखेंगे dQ, क्योंकि हम जानते हैं dU प्लस dW इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी नो दैट dQ बराबर dU प्लस dW। अब क्या करेंगे, हमें तो चाहिए आंतरिक ऊर्जा, इस रिलेशंस का नाम है आंतरिक ऊर्जा, तो हम dU बराबर क्या लिख सकते हैं, dU बराबर dQ माइनस dW, dQ माइनस dW। और dQ क्या होगा, जो ऊष्मा है वो ताप और एंट्रोपी का क्या होती है, गुणनफल होती है। dQ जो ऊष्मा है वो ताप व एंट्रोपी के क्या होगी, गुणनफल होगी। और वर्क डन dW, dW का मतलब कार्य, किसी सिस्टम में किया गया कार्य क्या होगा, PdV, प्रेशर और वॉल्यूम के क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, dQ बराबर TdS माइनस PdV, और यहां dU यानी आंतरिक ऊर्जा इस रिलेशंस को बॉक्स में बंद किया और समीकरण नाम दिया A, समीकरण को नाम दिया A। बहुत ही इजी है, मैंने कहां से उठाया, मैंने डेफिनेशन उठाई किसकी, ऊष्मा की, और हम जानते हैं dQ बराबर आंतरिक ऊर्जा प्लस कार्य के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें आंतरिक ऊर्जा चाहिए थी, तो हमने dU बराबर dQ माइनस dW किया इक्वेशन को सेपरेशन कर, ओके। अब देखिए समीकरण A क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी फंक्शन कहलाती है। समीकरण A आंतरिक ऊर्जा फलन कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा फलन कहलाती है। अब देखिए मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास फाई एक फंक्शन होता था, जहां एक्स प्लस वाई, इस तरह से यहां एक इक्वेशन लिए मैंने, बाय एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, फाई बराबर एक्स प्लस वाई, फाई बराबर एक्स प्लस वाई। अगर मैं इसको इजी ना लूं, इसको इस तरीके से लीजिए, फाइव एक्स प्लस फाइव वाई, मैंने एग्जांपल लिया है फाई बराबर फाइव एक्स प्लस फाइव वाई। अब फाई का जो फंक्शन है, फलन है, फाई जो फंक्शन है किस पर डिपेंडेड है, अगर मैं इस समीकरण का फंक्शन लिखना चाहूं तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, फाई में भी मैं वही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करूं, वही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करूं, तो यू का जो यू का फंक्शन है वो क्या होगा, यू का फंक्शन ds और dv पर यहां ds बढ़ रहा है और du है, यहां dv है वो भाई इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, s और v का क्या है फंक्शन है। अब देखिए जो हमारे पास u है, आंतरिक ऊर्जा है, वो s और v के क्या है, फंक्शन को प्रदर्शित कर दिए। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक और समझिए, यदि हमें इस तरह की इक्वेशन मिले तो हम क्या करेंगे, जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू है वो ब्रैकेट में आप नोट डाउन कर दें, ओके। तो यहां तक हमारा जो फंक्शन है उसको समीकरण नंबर बी मैंने पुट किया, उसको मैंने समीकरण क्या दिया, बी दिया। यहां तक आप एक बार दोबारा देखें
क्या किया, आंतरिक ऊर्जा की डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन से मेरे पास समीकरण आई, कहां से आई, परिभाषा से, कहां से, परिभाषा से, और परिभाषा से मैंने क्या किया, डीयू की वैल्यू निकाली, क्योंकि डीयू का मतलब आंतरिक ऊर्जा होता है, और मैंने आंतरिक ऊर्जा की समीकरण को लिखा। हम जानते हैं ऊष्मा क्या होती है, डीक्यू बराबर टीडीएस, यानी टेम्परेचर और एंथैल्पी के क्या होगी, गुणनफल होगी, हमने यहां पर क्या किया, पुट किया। फिर डीडब्ल्यू निकाला, DW क्या होगा, DW PDV के क्या होगा, इक्वल्ड होगा, हम जानते हैं वर्क डन टेम्परेचर और वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल्ड होगा। ओके, तो आंतरिक ऊर्जा का फलन, समीकरण ए को मैंने आंतरिक ऊर्जा फंक्शन कहा है, तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जिस प्रकार मैथमेटिक्स के अंदर हम किसी फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह हम इस समीकरण को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या वर्किंग करेंगे, हम इस इक्वेशन का, हमारे पास जो इक्वेशन आई है यू एस और वी, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का एक बार एस से क्या होगा, एस के साथ डिफरेंशियल, एक बार वी के साथ डिफरेंशियल, जहां एक बार v कांस्टेंट होगा, एक बार s कांस्टेंट होगा। हमारे पास u बराबर u s कोमा b, एंट्रोपी और क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। यदि du अपॉन ds करूं, du अपॉन ds करूं, ds के रिस्पेक्ट करूं और v कांस्टेंट रखूं, समीकरण a से, समीकरण a से du अपॉन ds निकालूं, समीकरण ए से du अपॉन ds एट v, v जहां क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, क्या आएगी मेरी वैल्यू, t ds से क्या होगा, ds कैंसिल, और हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, t, हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, t, और यहां पर v कांस्टेंट है, इसलिए क्या होगा, dv जीरो होगा, और हमारे पास du अपॉन ds की वैल्यू क्या आएगी, t। और एक बार आपने क्या करना है, du अपॉन dv निकालना है, कहां पर, s कांस्टेंट पर, du अपॉन dv की वैल्यू को निकालेंगे जहां पर s का मान क्या है, कांस्टेंट है, तो कीजिए du अपॉन dv, यहां पर ds की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि s क्या है, कांस्टेंट है, और यहां पर p क्या होगा, माइनस p के रूप में शो, ओके, माइनस पी के रूप में क्या आएगी, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिखना, आपने इन दोनों को एक साथ लिखना है, बीच में एंड लगाकर, ताकि आपका रिलेशन है वो गलत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, एक बार पुनः, एक बार पुनः डिफरेंशियल करने पर, एक बार पुनः डिफरेंशियल करने पर क्या करेंगे, एक बार पुनः किसके सापेक्ष करेंगे, v के सापेक्ष करना है और एक बार s के सापेक्ष करना है। इस पूरे रिलेशंस का du upon ds, इसका dv के सापेक्ष क्या करो, डिफरेंशियल करो, और कहां पर, जहां पर क्या है, s कांस्टेंट है, जहां पर s क्या है, कांस्टेंट है, जहां पर क्या हो, s कांस्टेंट हो, यदि हम dv के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमारा s कांस्टेंट आएगा, यदि हम s के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमारा dv क्या आएगा, v कांस्टेंट आएगा। ओके, तो कीजिए क्या होगा, du upon ds की वैल्यू क्या है, dt upon dv, यहां पर dt upon dv कहां पर है, s कांस्टेंट पर है, कहां पर है, s कांस्टेंट पर है। कुछ नहीं किया, बहुत इजी तरीका लगाया, क्या किया मैंने, यहां पर du upon ds v पर निकाली वैल्यू, du upon dv पर s कांस्टेंट पर वैल्यूज को फाइंड किया। फिर मैंने एक बार पुनः पार्शियल डिफरेंशियल किया, किसके सापेक्ष, एक बार v के सापेक्ष करना है, एक बार s के सापेक्ष करना है। अब कंफ्यूजिंग होने वाली बात यहां यह है कि सर मुझे क्या पता लगेगा कि यहां s और यहां v के सापेक्ष करना है।
अरे बेटा देखिए यहां पर यदि एस होगा तो हमें वी के सापेक्ष करना है, और इस रिलेशन में देखिए डी यू अपॉन डी एस, यहां पर वी है तो हमें एस के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ओके तो कीजिए क्या होगा, यहां पर डी एस के सापेक्ष करेंगे माइनस का डी पी अपॉन डी एस एट वी कॉन्स्टेंट, एट वी कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या आएगी वैल्यूज को आएगी। ओके तो यहां पर क्या आएगा हमारा डीप माइनस का डी पी अपॉन डी एस की वैल्यू को शो ऑफ करेगा। ओके अब देखिए हम जानते हैं, हम मैथमेटिक्स के अंदर इस तरीके से रिलेशन को जानते हैं, यदि डी एक्स डी अपॉन डी वाई, यहां वो फाइ फंक्शन है और ये किसके इक्वल होता है डी वाई डी अपॉन डी एक्स डी फाइ, कहने का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल के अंदर इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, समान होगी यदि फंक्शन क्या ऊपर सेम है, फंक्शन क्या है सेम है, कर्म विनिमय गुणनफल होगा, कर्म विनिमय का होगा गुणनफल होगा यदि दोनों की वैल्यूज क्या है समान है। यहां पर देखिए यू दोनों का समान है, डी के साथ यू समान है, डी वी इंटू डी एस डी एस इंटू डी वी। ओके तो हम इन दोनों के रिलेशंस को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं बाय मैथमेटिक्स रूल से। हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर क्या होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल के अंदर इन दोनों का गुना क्रम विनिमय होता है, हम डीएस को पहले लिख सकते हैं डीएस को बाद में लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी समान आएंगी। तो हम जानते हैं वी नो डैट डी वी डी यू अपॉन डी एस एट एस बराबर डी एस क्या आएगा डी यू अपॉन डी वी एट वी, दोनों की वैल्यू समान है। यदि इन दोनों की वैल्यू समान है तो इनके मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ये दोनों क्या है इक्वल्ड हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल्ड होंगे, और हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी वी एट एस माइनस का डी पी अपॉन डी एस एट वी, और यही हमारा क्या है फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, प्रथम मैक्सवेल समीकरण है, प्रथम मैक्सवेल समीकरण यहां प्रूफ होती है। तो ये फर्स्ट जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो नेगेटिव आएगा मान, उसका नेगेटिव वैल्यूज को शो करेगा। तो ये हमारी क्या है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को हमने क्या किया प्रूफ किया, बहुत ही इजी है। और इसके अंदर सबसे पहले क्या दिया गया हमारे पास, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर हमने आंतरिक ऊर्जा वाले रिलेशंस को प्रूफ करना है। आंतरिक ऊर्जा वाला रिलेशन क्या है उसकी डेफिनेशन को उठाई, डेफिनेशन क्या कहती है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू और डी यू बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, क्योंकि हमें क्या चाहिए था आंतरिक ऊर्जा चाहिए थी, हमें क्या चाहिए थी आंतरिक ऊर्जा का मान चाहिए था। और हम जानते हैं कि डी क्यू बराबर क्या होगा, डी क्यू बराबर टी डी एस टेम्परेचर और किसके इक्वल होगा, टेम्परेचर और एंट्रोपी के जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, और डी डब्ल्यू का मतलब होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम के यानी कार्य वर्किंग। और हम इस इक्वेशन को क्या नाम दिया आंतरिक ऊर्जा फलन, हमने इस इक्वेशन को क्या नाम दिया आंतरिक ऊर्जा फलन का नाम दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिक्स से, U किसका फंक्शन है S और V का, किसका फंक्शन है S और V का, और हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने इस इक्वेशन को उठाया, इस फंक्शन को उठाया
क्या किया, एक बार ds के सापेक्ष, एक बार ds के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल किया, जहां पर क्या है v कांस्टेंट हो। एक बार v कांस्टेंट लेना है, एक बार क्या लेना है s एंट्रोपी कांस्टेंट आपने लेनी है। तो du अपॉन ds v कांस्टेंट लेंगे, तो यहां पर v तो कांस्टेंट है, तो ds का इंटीग्रेट डिफरेंशियल करने से हमारे पास क्या वैल्यूज प्राप्त होती है t, और बीच में आपने क्या लगाना है एंड, और du बराबर du अपॉन dv s एंट्रोपी के सापेक्ष करेंगे, जहां पर हमारा वॉल्यूम है वो क्या है, हमारा जो एंट्रोपी है वो जीरो है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई माइनस की p। एक बार फिर पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे जिस तरीके से हमने पहले किया था, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट, एक बार एंट्रोपी को कांस्टेंट। क्या करेंगे, एक बार एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा हमने, वॉल्यूम के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, तो dt अपॉन dv, यहां पर s क्या है एंट्रोपी है, जो वॉल्यूम है कांस्टेंट है, और d अपॉन ds हमने यहां पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, हमने यहां वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। फिर हमने, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहां पर सेम फंक्शन है, परंतु यहां पर क्या है इंटरचेंज है, क्रम विनिमय गुणधर्म है, और हम मैथमेटिक्स के अंदर जानते हैं क्या, यदि dv अपॉन ds फंक्शन की वैल्यू समान हो और दोनों के अपॉन के अंदर, हर के अंदर क्रम विनिमय गुणधर्म हो, तो दोनों की वैल्यूज, दोनों के मान बिल्कुल समान होते हैं। तो हमने मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट को यूज किया और हमने इन दोनों के मान को बराबर पुट किया, यदि इन दोनों के मान बराबर हैं तो इन दोनों के मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि इन दोनों के मान बराबर हैं तो इन दोनों के मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमने मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट को यूज करते हमने यहां पर दोनों के मान को बराबर पुट किया, और यही हमारी क्या है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, यही हमारी क्या है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, प्रथम मैक्सवेल समीकरण। तो यहां पर हमने आज मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन को क्या किया, प्रूफ किया। हमने आज यहां मैक्सवेल की प्रथम समीकरण को यूज जो है प्रूफ किया हमने यहां पर, और इसी तरीके से हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए हमारे इस चैनल को, हमारे इस चैनल के एस डी मैथ क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस बेल आइकन को अवश्य दबाएं, और हमारे फेसबुक पेज के एस डी मैथ क्लास SGNR को आप लाइक और फॉलो जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।